हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 12 एरिया थ्योरम्स के हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कम्प्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, 6 में ना एक्चुअली 4 पार्ट्स दिए हैं, तो इन 4 पार्ट्स को हम बारी बारी करेंगे सॉल्व। बट देखो, सबसे बड़ा टास्क क्या होता है एरिया थ्योरम्स में, कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना जिस तरीके से गिवन होता है। बट फिलहाल चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबके पास बुक होगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आइए हम क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ऊपर कर देंगे। तो यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक, ए बी सी डी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है विथ बेस 4 सेंटीमीटर। बेस मतलब बेस क्या होता है, ये होता है ना, बेस कितना ले लेना है आपको, 4 सेंटीमीटर। चलो, यानी कि आप जो ग्राफ बनाएंगे ना उसमें ये कितना रखेंगे आप, 4 सेंटीमीटर, स्केल से आप मेज़र कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एंड डायगोनल बी डी 5। चलो पहले मैं नाम रख देता हूँ सबका ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए बी आपका क्या हो गया, बेस हो गया। चलो ठीक है, तो क्लियर है। अब क्या कह रहा है आपसे कि एंड डायगोनल बी डी 5 सेंटीमीटर। अब ये जो डायगोनल है यानी कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आप रेक्टेंगल बना रहे हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसका और इसका लेंथ जो होगा वो अलग होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, साइड्स यानी दो अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, बट ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब बी डी कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल लेकर के मेज़र करिएगा और यहाँ से कितना सेंटीमीटर आप बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बच्चा है कि मेज़र सी बी। अब यहाँ से आपको सी बी मेज़र करना है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा या फिर स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, तो मैं बता दूँ कि अगर एक आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो तीसरे वाले का जो मेज़रमेंट होता है ना, वो 3 सेंटीमीटर होता ही होता है। कितना होता है सर, वो 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। आप स्केल से भी इसको मेज़र करके देख लीजिएगा। हालांकि ठीक है, जब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, और ये 3 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपको कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन ए डी। ए डी पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए। चलो मैं यहाँ पर ए डी पर ये पॉइंट जो है इसको मैं पी लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ इनके अकॉर्डिंग पी ऑन ए डी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ज्वाइन बी पी, ज्वाइन बी पी, बी पी को आपको ज्वाइन करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है सर, ज्वाइन करना है। आइए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, कर लिया ज्वाइन। अब कह रहा है सर आपसे कि फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी पी। अच्छा, सी से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल किसके, बी पी के, यानी कि कहीं यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये बी पी है, तो एक पैरेलल लाइन इस तरीके से यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा। बट पहले आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। टू मीट ए पी प्रोड्यूस एट क्यू। हाँ देखो, ए पी प्रोड्यूस एट क्यू यानी कि ये लाइन बढ़ करके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ए पी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्यू प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बना लोगे, और क्योंकि देखो अब आपसे क्या, अगर बी पी के पैरेलल बनाना है तो देखिए यहाँ से आपका ग्राफ एकदम क्लियर और एकदम ईजी हो गया। इस तरीके से आपका ग्राफ होगा और ये ग्राफ आपका पूरा बन गया। समझ आई बात। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक डायगोनल ले लिया आपने बी डी 5 सेंटीमीटर का, बी पी को आपने क्या कर लिया, मिक्स मिला लिया, बी सी आपका अगर ये 4 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा एज यूजुअल। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू आपने फॉर्म किया, ए पी से क्यू प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पर बनकर ये कम्प्लीट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सेकंड वाला पार्ट जो कह रहा है बच्चा आपसे, सेकंड में आपसे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पी बी सी क्यू। ध्यान से देखिए, पी बी सी क्यू की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, पी बी और ये सी क्यू, देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पी बी सी क्यू। तो पी बी सी क्यू आपका जो बन रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम है ना, ध्यान से देखो, पी बी सी क्यू ये आपका पैरेललोग्राम है ना पूरा, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे एकदम सिंपली कि पी बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, पी बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड वाला आंसर भी हो गया। थर्ड क्या कह रहा है आपसे बच्चा
थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी इस पूरे एरिया की बात कर रहा है, इस पूरे अंदर वाले पूरे पार्ट की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू दैट ऑफ द फिगर पी बी सी क्यू. अच्छा, पी बी सी क्यू, यानी कि पी बी सी क्यू आपका क्या है, ये तो आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया बच्चा, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है. तो क्या कह रहा है कि ये वाला जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया के इक्वल होना चाहिए. देखो ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अंदर का ये जो एरिया है ये इस पूरे एरिया के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इसको आपको प्रूव करना है. तो आइए फिर एज यूजुअल जो करना होता है हम कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे टी पी, यानी कि टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है पहले तो आप वो लिख लो एकदम आराम से. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसके, पी बी सी क्यू के. चलो ये आपको प्रूफ करना, और आइए इसको हम प्रूफ करते हैं. तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि अब आपको क्या लिखना है सर, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रूफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लिखना, क्योंकि ये लिखने से ही आपको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं स्कूल में. अब यहाँ पर देखो आपको पता हो या ना पता हो बट आपको लिखना है और मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप लिखोगे वी नो, अब क्या पता है आपको, आप वो भी लिखो. तो यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है ना वो भी एक आपका पैरेललोग्राम ही होता है. तो आप लिखोगे वी नो रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स. ध्यान समझिएगा, रेक्टेंगल जो होता है आपका वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. जब ऐसा हो गया फिर आप लिखेंगे नाउ, जब रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो क्या कि रेक्टेंगल आपका जो ए बी सी डी है, ध्यान समझिएगा, रेक्टेंगल जो आपका ए बी सी डी है और आपका पैरेललोग्राम जो पी बी सी क्यू है, ए बी सी डी और पैरेललोग्राम पी बी सी क्यू जो है आपका, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, क्या है, सेम बेस पर लाई कर रहा है. तो आप लिखेंगे लाई ऑन सेम बेस. क्वेश्चन को पहले आप समझिए उसके बाद आप सॉल्व करिए तो आपको समझ में आएगा. देखो रेक्टेंगल अगर हम ए बी सी डी की बात करें तो ए बी सी डी में बेस क्या है, ए बी है, ठीक. अब पी बी सी क्यू की बात करें, पी बी सी क्यू की बात करें, पी बी सी क्यू की बात करें तो क्या हो रहा है कि सेम बेस पर ये लाई कर रहा है ना, और सेम बेस क्या है आपका, ध्यान समझो बी सी. देखो सेम बेस बी सी, ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी और पी बी सी क्यू दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, बी सी कॉमन हो रहा है ना, ठीक है. और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड बी डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स बी सी एंड. अच्छा देखो बी सी तो हो रहा है, चलो ठीक है, और क्या यहाँ पर पैरेलल हो रहा है बच्चा. तो अब आप यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यहाँ से देखो, ये तो आपका हो गया बी सी, अब आपका ए क्यू जो है, ए क्यू ये दोनों पैरेलल है क्या, बी सी एंड ए क्यू. ग्राफ देखिए और समझिए, रेक्टेंगल ए बी सी डी और पैरेललोग्राम पी बी सी क्यू जो है वो लाई कर रहा है सेम बेस पे, बी सी पे, सेम बेस क्या है, बी सी है, और सेम पैरेलल्स बी सी एंड ए क्यू है क्या, जैसे मान लो बी सी ये है और ए क्यू आपका ये हो गया. तो ए बी सी डी की बात करें, यानी हमने इसकी बात की, पी बी सी क्यू की बात करें तो उसके अंदर ये आ रहा है ना, यानी कि क्या हो रहा है, ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, एक तरीके से पैरेलल हो गया. तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो बच्चा, देयरफॉर, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो भैया एरिया ऑफ पी बी सी क्यू के इक्वल हो जाएगा. अब क्यों हो रहा है, तो इसके लिए ना आप यहाँ पर रीज़न भी लिख दीजिएगा, रीज़न लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको नंबर भी अच्छा मिल जाएगा. तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, ठीक है. तो पैरेललोग्राम जो होते हैं सेम बेस पर और जो बिटवीन होते हैं किसके, सेम पैरेलल्स पे, वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, यानी हेंस प्रूफ्ड. हालांकि ये कौन सा पार्ट हुआ, 1, 2, 3 पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, अभी जो लास्ट वाला पार्ट बचा है फोर्थ पार्ट, वो भी आपका बचा ही है. फोर्थ पार्ट में कह रहा बच्चा आपको, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी बी सी. अच्छा पी बी सी का मतलब क्या हो रहा है कि आपको यहाँ से पी और सी को भी मिलाना पड़ेगा, पी और सी को भी क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी यानी कि ये वाला एरिया, ये इस एरिया की बात कर रहा है। पी बी सी इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी कि जो आपका पी बी सी का एरिया है, इस रेक्टेंगल के एरिया का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पर आप फोर्थ वाला पार्ट लिखेंगे। फोर्थ वाले में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, तो एरिया ऑफ क्या है ट्राइंगल बी पी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं प्रूफ, इसको किस तरीके से प्रूफ करना है। तो बस आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि वी नो दैट, ठीक, इफ अ ट्राइंगल, ध्यान समझना, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस पर ही लाई कर रहा है ना, बी सी यहाँ पर भी, बी सी इन दोनों में भी है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक, तो एरिया देन लिख लीजिएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ, इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, यहाँ देखो लाई ऑन सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो देखो बी सी की बात करें तो पी बी सी ए हो गया, और ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो एरिया जो का ट्राइंगल का वो हाफ हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, देयरफोर, देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ए बी सी डी, और ये आपका क्या हो गया बच्चा, प्रूफ्ड। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना था, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट कर देना था, सेकंड वाले में क्या करना था, बताना था कि पी बी सी क्यू क्या है, तो पी बी सी क्यू आपने दिखा दिया कि क्या है आपका पैरेललोग्राम है, थर्ड में बताना था कि ए बी सी डी पी बी सी क्यू पैरेलल है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वो पैरेलल हो जाएगा, और लास्ट में आपको बताना था कि इसका जो एरिया है, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। तो चलिए फिर इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका कि फिगर आपको यहाँ पर गिवन ऑलरेडी, और फिगर में क्या लिखा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विथ ए डी एंड बी सी एज पैरेलल साइड्स एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो जो गिवन है आप उसको लिख दीजिएगा, गिवन क्या क्या दिया है आपको, गिवन में है बाबू यहाँ पर आपको कि ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम जिसमें ए डी और बी सी पैरेलल साइड्स हैं, और एंगल बी ए डी कितना दिया है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख दे सकते हो ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड एंगल, एंगल क्या दिया हुआ है आपको बच्चा यहाँ पर, बी ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है बाबू, तो यहाँ पर आपको प्रूफ कर देना है कि बी डी एंड ए सी कट एट ई, प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी इज इक्वल इन एरिया ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि सिंपल सा आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। तो ठीक है, इसको अभी चलिए हम प्रूफ करते हैं, बट उससे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपको दिया है ए बी सी डी, ये आपका ए है और आपका एंगल बी ए डी की बात किया है, इस एंगल की बात किया है, ये आपका कितना 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलो ये तो ठीक है, तो ये प्रूफ करना, आइए हम प्रूफ करते हैं। तो बट यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे प्रूफ, क्योंकि भाई प्रूफ तो आपको देना ही होगा ना कि किस तरीके से आप प्रूफ कर रहे हो। तो प्रूफ में देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर आप ध्यान से पहले आप समझ लीजिए, फिर देखिए ट्राइंगल अगर हम इसकी बात कर लें, तो ट्राइंगल अगर हम ए डी बी की बात कर लें, और ट्राइंगल अगर हम ए डी सी की बात करें, देखो ए डी बी और अगर ट्राइंगल ए डी सी की बात कर लें हम, ठीक है, तो ए डी यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि ए डी को अगर हम बेस मान लें तो क्या है, दोनों में कॉमन है। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह ए डी और बी सी की बात कर लें, ए डी और बी सी की बात कर लें तो पैरेलल भी तो है ना, देखो ए डी एक मिनट ए डी बी की बात कर लीजिए आप,
ठीक है। और उसके बाद फिर आप ए डी सी की बात कर लीजिए, तो ए डी बी में, ए डी सी में ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, डी सी ए बी के क्या हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो एरिया होगा ट्राइंगल ए डी बी का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एरिया में। इस तरीके से करके हम प्रूफ करेंगे, बट आपको ये प्रूफ करना है, ए बी ई प्रूफ करना है। तो आइए पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे हियर, ये लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, ठीक है। ए डी बेस क्या है, ए डी है, एंड बिटवीन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स किसके किसके, अब यह ए डी ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए डी एंड बी सी, ठीक है, ए डी एंड बी सी, ये तो हो गया पैरेलल। तो देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एरिया जो हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये तो ठीक है, बट यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्रूफ करना है, ए बी ई प्रूफ करना है, किसके इक्वल, सी ई डी के इक्वल, है ना, ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो हालांकि अभी तो ये है, यहाँ पर रीज़न आप लिख लीजिएगा, रीज़न क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पर आप सेम रीज़न लिख लेंगे कि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये आप लिख लेना रीज़न, ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आप ए डी, देखो यहाँ से अब आपका ए डी बी और ए डी बी जो है ए डी सी के आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर देखो, अगर मैं ए डी ई को माइनस कर दूँ, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ से ए डी ई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सब्ट्रैक्टेड या सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई फ्रॉम बोथ साइड्स। देखो ए डी बी में से अगर मैं ए डी ई को माइनस कर दूं, तो क्या हमें ए ई बी मिल जाएगा, ए डी बी में से अगर ए डी ई को माइनस करूँ तो हमें बिल्कुल आराम से यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए ई बी मिल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में क्या है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। अब आपको क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ दिया हुआ है, क्लियरली चीज़ें। अब आपको ये भी दिया हुआ है, तो इसको अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो कि इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा ना, सेम इसी तरीके से करना है कि जब हम इसमें से इस इतने पार्ट को, यानी पूरे में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एरिया ए डी बी माइनस एरिया ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्लियर हो गई चीज़ें। तो ए डी बी में से ए डी ई को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में से ए डी ई को माइनस कर लीजिए, ध्यान समझिए, ए डी सी में से जब आप ए डी ई को माइनस कर लोगे तब आपके पास क्या बचेगा, तब आपके पास बचेगा डी ई सी, तो डी ई सी, यही आपको करना था प्रूफ। और यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको समझ में आएगा, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा बच्चा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी अपने बच्चे स्टूडेंट से भी, दोस्तों से भी कह दीजिए कि भैया यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। आइए फिर बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ए बी सी डी और ए बी ई एफ का मतलब ये हुआ बच्चा कि आप जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ना, उसका बेस क्या होगा, सेम होगा, उसका बेस क्या रखिएगा आप, सेम रखिएगा। तो ए बी सी डी ए बी ई एफ, चलो इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब ए बी सी डी तो ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, ए बी ई एफ कह रहा है,
ठीक, तो यहाँ पर आप एक प्लॉट कर लीजिए ग्राफ इस तरीके से, ऐसे। यहाँ से इसको ले लीजिए, यहाँ से इसको ले लीजिए, ले करके क्या कर दीजिए, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ठीक, तो ए बी सी डी, ए बी ई, यहाँ पर ई कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए, एफ कर लीजिए बच्चा। ठीक है, ये कर लीजिए आप। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बाबू, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पहले भी फिर ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है सर, ए बी के जो बीच का डिस्टेंस है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया, 8 सेंटीमीटर कर लिया हमने। फिर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि वेयर ए बी इज एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ईच पैरेललोग्राम। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ से एक पॉइंट इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, ठीक, और इस तरीके से इसको यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप पी लेट कर लीजिए और इस पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, क्यू लेट कर लीजिए। इसका जो हाइट दिया वो कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड पहले तो आपको ये करना है, तो चलो ये तो आपका बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो जो गिवन है पहले आप वो लिख लो, जो जो गिवन है आप पहले उसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हाँ यहाँ पर अब गिवन क्या क्या है, तो देखो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चा यहाँ पे कि पैरेललोग्राम्स यहाँ पर लिखेगा, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, क्या लिखोगे, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ लाई ऑन सेम बेस ए बी, लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस ए बी भाई, ठीक है ना, सेम बेस ए बी पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पर ऑल क्या है, तो आप देखो डी पी परपेंडिकुलर किस पर होगा, ए बी पर होगा, और ई क्यू परपेंडिकुलर किस पर होगा, ए बी पर होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी पी परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड ई क्यू भी परपेंडिकुलर किस पे होगा, ई क्यू भी परपेंडिकुलर आपका होगा ए क्यू पर। चलो यहाँ तक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए बी पर, ठीक है। तो डी पी परपेंडिकुलर ए क्यू, ए क्यू पर है, ई क्यू भी परपेंडिकुलर किस पर है सर, ए बी पर है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिख रहा है, ऑल्सो करके आप लिखते जाइए, यहाँ पर आपका डी पी और ई क्यू, क्योंकि एल्टीट्यूड है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, बस आपको यही दिया था। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ए फ्लाई कर रहा है सेम बेस किस पर, ए बी पर, यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिया। डी पी परपेंडिकुलर किस पर है, ए डी पी परपेंडिकुलर है आपका ए बी पर, माफ कर दिया मैंने ए क्यू लिख दिया है, डी पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, डी पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और आपका जो ई क्यू परपेंडिकुलर है वो भी किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर ही परपेंडिकुलर है। क्लियर चीज है, और डी पी इज इक्वल्स टू ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपको गिवन ही है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रूफ दैट पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैज द सेम एरिया एज पैरेललोग्राम ए बी एफ, यानी कह रहा है कि ए बी सी डी का जो एरिया है सेम ए बी ई एफ के है, इसको आप प्रूफ करिए। यानी कि ए बी सी डी यानी ये वाला जो एरिया है, इसके बीच का जो एरिया है वो ए बी ई एफ यानी इसके बीच के एरिया क्या है, सेम है। आइए प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे टी पी यानी कि टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए भैया प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि डी पी ई क्यू दोनों कितना सेंटीमीटर है, तो आपको कहोगे सर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, गिवन, ये तो आपको गिवन ही है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ पता है, तो लिखिएगा वी नो दैट। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो सेम वही चीज़ करना है कि अगर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा वी नो दैट इफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू लाइन्स इज सेम, इज सेम, देन जो आपके लाइन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि डी पी इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया, और आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो, सेम हो, तब आपका लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर फोर ए बी पैरेलल टू एफ सी, देख लो ए बी किसके पैरेलल होगा, एफ सी के पैरेलल होगा ना, ए बी एफ सी के, यहाँ देखो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, एफ सी के पैरेलल हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है आपका सेम है, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
ये चीज़, और ये वाला किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल हो गया, तो आपका ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लिखेंगे फिर आगे। नाउ नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा आपका, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो ये तो आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट में सिर्फ लिखना ही है जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने लिखा था। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है सर आपसे, थर्ड वाला पार्ट आपसे कह रहा है बच्चा कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई हैज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप बस लिख लीजिएगा वी नो दैट, डब्ल्यू के टी, डब्ल्यू के टी का मतलब होता है वी नो दैट। आप लिख लीजिएगा कि इफ इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, हैव सेम बेस एंड lie between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया ही था, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख देना therefore area of ABE is equals to 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये हो गया, और यहाँ से आपने क्या कर दिया बच्चा, प्रूफ कर दिया, सो इट इज़ हेंस प्रूफ्ड। क्लियर चीज़ें, तो बस जो जो चीज़ें आपको दिया हुआ तो वो आपने कर दिया। एट में क्या करना था, पहले आपने इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ प्लॉट करने जो गिवन था वो आपने कर लिया, लिख दिया जो जो चीज़ें थी। सेकेंड में टू प्रूफ, यानी कि आपने टू प्रूफ कर दिया क्या क्या प्रूफ आपको करना था। फिर थर्ड में इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आपका सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और फिर क्वेश्चन नंबर 10th आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 9th हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में ये ग्राफ आपके बुक में गिवन है, और क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है इन फिगर इतना, दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी ये पूरा एरिया है, ये कितना दिया 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आपको दिया है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि सी एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ठीक, एंड ए एल इज इक्वल्स टू 2 LB, ए एल इज इक्वल्स टू 2 LB का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो ए एल इज इक्वल्स टू 2 LB का मतलब हो गया कि जो आपके ए एल का लेंथ है वो एल बी के लेंथ का 2 गुना है। यानी अगर ये 4 है तो ये कितना है, 2 है, अगर ये 14 है तो ये कितना है, 7 है, यानी इसका हाफ है ये। ठीक, यानी ए बी क्या है सर, ए एल क्या है आपका, बी एल से बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें ये मिड पॉइंट जैसा लग रहा है, बट आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है सर, ये जो ए एल है वो बी एल से क्या है, काफ़ी बड़ा है या डबल है, 2 गुना है। और आपसे कह रहा है बच्चा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एल एम, यानी ए एल एम का एरिया आपसे पूछा है, ए एल एम ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है, जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसका फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है। तो ये वाला एरिया हम निकालते हैं, बट ये वाला एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल को लेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है, बट पहले जो जो गिवन है आप उसको लिखना, देख लेते हैं जो जो चीज़ें गिवन है, तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है आप उसको लिखो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपको। फिर आपको दिया हुआ यहाँ पर बच्चा कि आपका जो सी एम है वो किसके इक्वल है, सी एम बी एम के इक्वल है, चलो ये भी ठीक है। और आपको दिया है कि आपका जो ए एल है वो किसके इक्वल है, 2 BL के इक्वल है। क्लियर, अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको वो लिखते हैं, तो टू फाइंड यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर फाइंड करना है आपको एरिया ए एल एम, एरिया ए एल एम आपको फाइंड करना है। तो आइए फिर हम बात करते हैं किसका, प्रूफ का। यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है बल्कि फाइंड करना है वैल्यू। देखिए अगर हम बात कर लें ट्राइंगल ए बी सी का, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो ए बी सी की बात करें तो आपका जो एम है, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो एम जो है वो किसका रूल अदा कर रहा है, मीडियन का। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ए एम एक्स एज मीडियन, ए एम क्या है सर, यहाँ पर आपका मीडियन है, ए एम आपका क्या हो गया, मीडियन ही हो गया ना। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको भी यहाँ पर रखेंगे, बट पहले यहाँ पर आप देखिए
एरिया ऑफ ए बी एम, एरिया ऑफ ए बी एंड एम, इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ए बी एम इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ, अब जो एरिया ऑफ ए बी एम है वो 1/2 एरिया आपके ए बी सी का है, ए बी एम की बात करें, ए बी एम तो ये 1/2 यानी कि जो आपका ए बी सी, ए आपका जो ए बी सी ट्राइंगल है ये वाला जो एरिया उसका क्या होगा, हाफ होगा ना, ये पूरा लेंथ है, टोटल लेंथ है ये, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या है, इस पूरे ट्राइंगल का क्या है, हाफ है, क्लियर चीज़ें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, क्यों, क्योंकि आपका जो एम है वो क्या है, आपका मीडियन है, क्लियर हुई चीज़ें। अब यहाँ पर देखिएगा आप एक चीज़, तो यहाँ पर आपने ये जब लिखा तो अब आपको वैल्यू भी तो गिवन है ना, एरिया ऑफ ए बी सी आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया है सर, 7.2 दिया है, काट पीट लीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.6 आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि भाई क्या कर रहा है कि एक जो मीडियन होता है वो क्या काम करता है, डिवाइड करता है दो इक्वल एरियाज में, तो ये आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ए बी एम की जो वैल्यू आ गई वो 3.6 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए एल एम, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ए एल एम प्लस एरिया ऑफ बी एल एम इज इक्वल्स टू 3.6 हो जाएगा क्या, ए बी एम की अगर बात करें, देखो ग्राफ में देखो, ए बी एम की अगर हम बात करें तो ए एल एम प्लस बी एल एम के इक्वल होगा ना। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से एक लाइन दिया है ऐसे, तो इसको आप कितना मानते हो, इसको आप कहते हो ना कि सर ये तो आपका 180 डिग्री है, बट यहाँ से जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो 180 डिग्री वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये 90 हो गया और ये भी कितना हो गया आपका 90 हो गया। अब मान लेते हैं ये आपका 90 डिग्री, बट यहीं से फिर बीच से मैंने क्या कर दिया, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया, तो 90 भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री और ये कितना हो गया 45 डिग्री, तो 45 प्लस 45 करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे के इक्वल हो जाएगा ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया सर, तो ये आपका क्या हो गया ए एल एम प्लस बी एल एम इज इक्वल टू कितना हो गया 3.6 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से अब आप लगाओगे फॉर्मूला, यहाँ पर कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले अपना वैल्यू पूरा रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा एरिया ऑफ ए एल एम ट्राइंगल है, ये भी आपका क्या है बी एल एम, यानी कि आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो ये आपका होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चा यहाँ पर, तो बेस आपका है ए एल, बेस क्या है ए एल एम में अगर बात किया जाए तो बेस आपका क्या है ए एल है ना। अब हाइट आपको नहीं पता है तो हाइट के लिए आप यहाँ से क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, ये आप क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ये आपका हाइट हो जाएगा, तो ए एल इंटू ये क्या हो जाएगा आपका एम पी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी एल। आप कहोगे सर एम पी आपने क्यों लिया, क्योंकि देखो बच्चे ये दोनों क्या है आपके, ये ट्राइंगल के ही अंदर आ रहा है ना, तो ये जो हाइट होगा वो दोनों के लिए होगा। एक मिनट यार ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, ये है ना, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी एम, ठीक, और इसको क्या मान लिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ए एल इंटू एम पी हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू बी एल एम की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं बी एल एम का, तो बी एल एम में आपका बेस कितना हो जाएगा, तो बेस आपका हो जाएगा बी एल, बी एल, और ये हाइट कितना हो जाएगा एम पी हो जाएगा, किसके इक्वल है, ये 3.6 के इक्वल है, क्लियर ये चीज़ें। अब यहाँ से देखो 1/2 इंटू ए एल इंटू एम पी प्लस 1/2 इंटू बी एल। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि ए एल इज इक्वल्स टू 2 BL है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो क्या कि बी एल इज इक्वल्स टू ए एल बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं ना, बी एल इज इक्वल्स टू ए एल बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, और आपने क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/2, अब बी एल को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ए एल बाई टू इंटू एम पी इज इक्वल्स टू 3.6। अब यहाँ से देखो 1/2, यहाँ से आप ए एल और एम पी कॉमन कर सकते हो क्या, 1/2 ए एल इंटू एम पी आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो 1/2 ए एल एम पी आपने कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1/2 यहाँ पर कितना बचा, 1/2 बचा इज इक्वल्स टू कितना बचा 3.6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो 1/2 ए एल इंटू एम पी
वन प्लस वन बाई टू 3.6 हो गया। अब ए एल इंटू एम पी क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो इधर, 1/2 ए एल इंटू एम पी, ए एल इंटू एम पी की बात कर रहा है। जब ए एल इंटू एम पी की आप बात कर लोगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या ए एल एम के इक्वल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/2 ए एल इंटू एम पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम, और इंटू इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3.6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम ये कितना हो जाएगा, इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3/2, उधर जा करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 2/3। अब इसको कट कर लीजिए तो 1.2 आ जाएगा, 12 × 2 = 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2.4 cm² के इक्वल हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो बस समझिए क्या करना था इसमें, एकदम आराम से ग्राफ में देखिएगा, ये जो आपका ए एल होगा ना, ये मिड मैंने बीच में बना दिया, बट आपका कुछ यहाँ पर होगा ये, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर जो जो गिवन था वो आपने लिख लिया, इस तरीके से आपने लिख लिया, फाइंड क्या करना था वो लिख लिया। ए बी सी में ए एम मीडियन के इंटरैक्ट कर रहा है, और आपका थ्योरम भी होता है यही, तो आपका ए बी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी सी हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू जो वैल्यू गिवन था ए बी सी के एरिया का, तो वो आपने रखे 3.6 निकाल लिया। फिर एरिया ऑफ ए एल एम प्लस बी एल एम ए बी एम के इक्वल हो जाएगा, ये आपने कर लिया, और उसके बाद फिर एज इट इज़ आपने क्या कर लिया, सॉल्व करके आंसर कितना लेते, 2.4 cm². तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th तक। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, तो चलिए उसको सॉल्व करके फिर ये वीडियो लेक्चर आपका खत्म करेंगे। तो आइए फिर इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10th वाला है, देख लेते हैं क्या है। इतना फिगर दिया है, डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए गिवन, जो जो गिवन हो पहले आपको वो लिखना है, और इसमें क्या गिवन है, तो यहाँ पर गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। अब ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि आपका जो डी ई है वो बी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दिया है। फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि डी सी एंड बी ई मीट एट ओ, डी सी एंड बी ई मीट एट ओ, चलो ठीक है, इसको भी मान लिया। तो प्रूफ करना है आपको कि ट्राइंगल बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ ई इक्वल इन एरिया। इसका मतलब भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये इस वाले एरिया के क्या है, बिल्कुल भी इक्वल है। आइए देख लेते हैं, तो गिवन तो ये हो गया, तो टू प्रूव में क्या लिखना है, तो टू प्रूव में जो लिखना है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ई, ये आपको प्रूफ करना है कि डी ओ बी सी ओ ई के इक्वल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिख करके फिर एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई के, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई के क्या, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, ये एक आपका थ्योरम है, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब देखो पैरेलल भी है ना, बेस भी सेम है और क्या है, पैरेलल भी एक दूसरे के, आर इक्वल इन एरिया। तो बस हो गया यहाँ से कि आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप, बी सी डी यहाँ पर दिया बट बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो अगर मैं बी ओ सी को माइनस कर दूँ, बी सी डी में से अगर मैं बी ओ सी को माइनस कर दूँ तो हमें बी ओ डी मिल जाएगा, ये तो आपको लाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, बस यही आपको ध्यान देना, बस यही मेन पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट एरिया बी ओ सी फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से आपको क्या करना है, बी ओ सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ये कर दीजिए आप। तो ये करते ही क्या हो जाएगा, देखो
जब बी सी डी में से बी ओ सी माइनस कर देंगे तो आपको बी ओ डी मिल जाएगा, और जब बी सी ई में से आप बी ओ सी माइनस कर लोगे तो आपको सी ओ ई मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस 2 वीडियो लेक्चर के अंदर हो गए सॉल्व, और वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी इसलिए है बिकॉज मैं आपको एकदम आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो हड़बड़ी में नहीं, एकदम आसानी से आराम से चीज़ों को समझिए, सब काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल पढ़ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाइए और जा करके जो भी सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो लेक्चर अपलोड होने के बाद क्या करता हूँ, वहाँ पर सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।